ऑल्ड बालाजी की वेब सीरीज फितरत का रिव्यू जो है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, जाके क्लिक कर लो। उसके बाद की आगे की स्टोरी है जो कि उस वीडियो में इसलिए नहीं बताया कि अगर आपने फितरत अभी तक नहीं देखी है तो आपको स्पॉइलर ना मिले, पर यहाँ पे करने वाला हूँ डिटेल रिव्यू। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी, मैं हूँ मिस्टर जीरो और मैं फुल रिव्यू करने वाला हूँ फितरत वेब सीरीज ऑल्ड बालाजी एंड एकता कपूर के कॉन्सेप्ट के साथ में। तो यार, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आधी स्टोरी बताई कि वो स्टोरी क्या रहती है, किस तरह से वो जो है अपने दोस्त के साथ में बिगड़ जाती है, किस तरह से सरीन और बिष्ट के साथ में एक झगड़ा क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ एन अफेयर, कि यार अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ में कोई अफेयर चला चुका है या फिर उसका उसकी बेस्ट फ्रेंड का जो पति है वो उसके साथ में यार काफ़ी ज़्यादा कोजी फील कर रहा हो, तो यार झगड़ा तो हो नहीं है। तो यही डिफरेंसेस आ जाते हैं दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में। लेकिन अब आगे की स्टोरी ये बता रहा हूँ कि यार बिश ने जो है वीर शेरगिल से खुद को दूर रखने की काफ़ी कोशिश की, जिसके वजह से वो सरीन के भाई के साथ में अफेयर करना शुरू करती है, जो कि अफेयर होता नहीं है। सरीन का जो भाई रहता है गौरव सरीन यानी के वर्मा की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, ही वॉज ऑसम। और हाँ, कहीं एक जगह पे जाकर के मुझे लगा कि इतना हैंडसम जो हीरो बनाया गया ना यहाँ पे वीर शेरगिल, उसको गौरव सरीन जो है खा चुका है, क्योंकि उसके क्यूटनेस के वजह से, उसके बात करने के स्टाइल से, वो जिस तरह से बिश्त के प्यार में पड़ता है। लड़कियाँ, यू आर गोइंग टू किल योर सेल्फ कि यार मुझे ये सिक्स पैक वाला नहीं, यही वो मोटा सा चपटी सा और टेडी बेयर टाइप का लड़का चाहिए जो दिल से प्यार करता है। और उसने बहुत अच्छी सी डील क्रिएट की होती है कि यार तुम मेरे पैसे से प्यार करती हो और तुमने ये चीज़ मुंह पे कह दिया, सो इट्स अ ग्रेट डील फॉर मी। तुम मुझे लाइक करती हो ना, प्यार नहीं करती हो, प्यार भी हो ही जाएगा, बट मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, सो कम ऑन यार, लेट्स गेट मैरिड मैन। तो यार वो जो एटीट्यूड रहता है, इट्स टोटली डिफरेंट मैन। और हाँ, मेरे दिल को यार हीरो से ज़्यादा ये कैरेक्टर अच्छा लगा, और ये कैरेक्टर एक सिचुएशन पे आ करके उसका साथ देना शुरू करता है कि उस दिन जो भी हुआ मेरी बहन के साथ में, आई नो कि बहुत बुरा था और मैं उस वक्त तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाया, पर बाद में रियलाइज़ किया दैट यू आर द राइट पर्सन और तुम अच्छी लड़की हो, ये कह करके उसको सपोर्ट करता है। वो एज अ रिपोर्टर देखा जाए तो सरीन फैमिली एंड सरीन के जितने भी बिजनेस प्लान्स होते हैं उसको एक्सपोज करना चाहती है, और एक्सपोज करने के पीछे में एक ही चीज़ रहता है कि वीर शेरगिल नंगा होगा। वीर शेरगिल का कनेक्शन एक पॉलिटिशियन के साथ में होता है जो कि ओपी कपूर है, और वो उसके डैड के पॉलिटिशियन फ्रेंड है। और वीर शेरगिल जो है उसका एक रियलिटी दिखाया जाता है कि वो जितने अमीर अभी दिख रहे हैं, रियलिटी में वो कोई खानदानी अमीर नहीं है। जस्ट 20 साल पहले एक चौली से शुरुआत की गई थी और आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और उस बिजनेसमैन को जो है सरीन फैमिली ने एज अ सन इन लॉ अपने फैमिली में अडॉप्ट कर लिया है। एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और इसी चीज़ को एक्सपोज करना चाहती है कि उसके अंदर में मेन मास्टर प्लान क्या चल रहा है, शेरगिल क्या सोच रहा है, और वो शादी किस लिए कर रहा है, और उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स क्या है एग्जैक्टली, उस प्रोजेक्ट्स के पीछे में कितनी सच्चाई है, इतनी सब कुछ कर रही होती। हर बार अगर देखी जाए तो यार वो तारिणी बिष्ट हर बार हार जाती है, पर हारने के बावजूद भी वो फिर से कोशिश करती है और हर बार एक नया प्लान लेकर के आती है, और वो प्लान जो है फिर से फ्लॉप हो रहा होता है। और ये देख करके काफ़ी ज़्यादा यार हार्ट ब्रेकिंग सीन रहता है कि इतनी कोशिश के बावजूद भी इंसान को सक्सेस नहीं, फेलियर्स मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी वेरी डिस्परेशन वाला सीन है कि यार इंसान डिस्परेट हो जाएगा, क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन वो हार नहीं मानती। और वहीं पे मैंने जैसे बताया कि यार सरीन फैमिली से जो है गौरव सरीन उसका हेल्प कर रहा होता है बिकॉज ही लव हर, फिर बीच बीच में आ रहा होता है वीर शेरगिल जो आकर के बार बार ये बता रहा होता है कि अभी भी हार मान जाओ, मेरे साथ आ जाओ और मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने देने वाला हूँ और आई लव यू, और बार बार कह रहा होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ सुनने के बावजूद भी और इस सारी चीज़ को झेलने के बाद भी कोई किस तरह से लड़ सकता है, खास करके अगर वो एक लड़की हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। लेकिन उसके बाद से जिसके सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि उसके बात को समझेगी, वो आकर के अचानक से कह देती है कि नाउ इट्स अ फाइट बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि मैं अपने पति पर कोई भी आँच नहीं आने देना चाहूँगी, अब तुम्हें मुझसे लड़ना है। सीरियसली यार, या तो दोस्ती छोड़ दो, या तो हस्बैंड के साथ रह लो, या तो हस्बैंड की बातों पे गौर करो, पता नहीं क्या होती है लड़कियाँ, इट्स जस्ट लाइक अ मैड कुछ भी। तो यार काफ़ी लंबी था स्टोरी, एंड इस सीरीज़ के पीछे की एक यार चीज़ मुझे सुनने को आई है कि कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि क्रिस्टल डिसूजा और अनुष्का रंजन इन दोनों के बीच में जो है कुछ अनबन हो चुकी है, उसके बाद से जो है
जो आदित्य सील है, आदित्य सील के साथ में भी कुछ अनबन हो चुकी है। ये वेब सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम भी लग सकता है। आई एम नॉट श्योर, ऐसा रूमर्स था और मैंने कहीं कहीं पे पढ़ा है, कहीं पे कहीं वीडियोज़ भी आ रहे हैं कि ऐसा हो चुका है और उसके बाद से जो है आप पार्ट टू के लिए तो वेट कर रहे हो। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द पार्ट टू कि यार देखूँ यार एंड में क्या है, क्योंकि जिस तरह से सीज़न वन में एंड में दिखाया गया है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं एंड में जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, और वो क्यों है पता नहीं यार। जैसे कि देखो कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला भी, इट्स नॉट अ कंप्लीट स्टोरी, वो भी देखा जाए सीज़न टू के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे यार इतना सारा प्यार, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ। हाँ सो यार चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, ये सिर्फ मैं वेब सीरीज़ का रिव्यू नहीं करता हूँ, जो भी नए मूवीज़ आते हैं अगर आपको ऐसा लगता है ये मूवी देखने से पहले मुझे देखना चाहिए रिव्यू क्या है, तो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो के फौरन बात करता हूँ मूवी का रिव्यू। पब्लिक रिव्यू भी रहता है, खुद का भी रिव्यू रहता है, आप देखो यार, ताकि आप समझ पाओ कि कौन से मूवी पे पैसा लगाना चाहिए, कौन सी मूवी को अवॉइड करना चाहिए पैसा बचाने के लिए। सो प्लीज़ यार स्टे ट्यून, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आ जाऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू के साथ में, या फिर फनी वीडियो, या फिर कुछ टेक वाइन के साथ में। जी हाँ, अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं लेकर के आ रहा हूँ टेक वाइन्स, यानी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा लेकिन फनी वे में। सो प्लीज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, साइन एंड अस्सलाम वालेकुम।